होई। बैठ जाए भाई प्लीज। नहीं मैं जाना जोगी दे नाल जी जरूर सर। गुराया साहब आ तो बड़ी सोहनी सूरत सानू मिलाई जे मलिक साहब ते मौला पाइंदन पा के इन्हों दुनियादारी दे इज्जत दिती मालक इन्हों की अव्वल आखर खैर कर इन्हों वेख के ना मलिक साहब नू ते मेरा एक गजल एक बोल पेश करन ते दिल कर रहे है। ऐसी आफत से बाला मलिक साहब आप की नजर बैठे पता जाओ। ऐसी आफत से बाला ऐसी आफत से बाला किस तरह जीना होगा। ऐसी ऐसी आफत से बाला किस तरह जीना होगा। जहर देते हैं बादशाह जी दराग भैया जी मेरे। ऐसी आफत से बाला किस तरह जीना होगा। जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता तो कहते हैं कि मरता हूं। जब मैं पीता तो कहते हैं कि मरता ही नहीं। जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना हो। तो जब इनकी मान ली तो फिर बात अपनी कहां रही। जब इनकी मान ली तो फिर बात अपनी कहां रही। तो क्यों ना कहूं मैं इनके नाज़ों पे लुट गया।
से गम हो कहा तो मैंने भरी दे गम हो थैंक यू चल दिए सिर्फ इतना कह कर वो चल दिए सिर्फ इतना कह कि तेरे दर्द की दवा नहीं है वो चल दिए सिर्फ इतना कह कर तेरे दर्द की दवा नहीं है वो चल दिए सिर्फ इतना कह कर तेरे दर्द की दवा होश में आ लगे ये कहने के होश में आ नजर है ये सारी वाला इमाम है यहाँ सबका सारी वाला इमाम है यहाँ सबका सारी वाला इमाम है सारी वाला इमाम है तो फिर यहाँ पी के रहना है होश में यहाँ पी के रहना है होश में यहाँ पी के बहकना हराम है 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 मस्जिद में न कलीसा में न बुतखाने में चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में चैन मिलता है तो साकी चैन मिलता है तो साकी तेरे मैखाने में काक थर्राने लगे उड़ गई बोतल से शराब बेवजू काम चला आया है मैखाने में तो फिर ते तो अड़ियां नजरां मिल गई ने मेरे पाक सावी।